52 साल के हुए आमिर खान की रेयर फैक्ट्स लाइफ के फैक्ट्स भी जानिए। आमिर खान 52 साल के हो गए हैं। 14 मार्च 1965 को मुंबई में जन्मे आमिर एक्टर बनने से पहले टेनिस प्लेयर थे। उन्होंने स्टेट लेवल पर कई चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और अंडर 12 से 14 ग्रुप में चैंपियन रहे। पिता ताहिर हुसैन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आमिर ने नेशनल लेवल पर भी टेनिस खेला है। कैसे शुरू हुआ सुपरस्टार बनने का सफर? जब वे टीनेजर थे तब उन्होंने आई फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की, जो उस समय शुरू ही हुआ था। उनके पिता ने इजाजत नहीं दी क्योंकि वे चाहते थे कि आमिर पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। ताहिर हुसैन के मुताबिक आमिर उनसे बहस करने लगे और बोले जैसे डॉक्टर बनना है वो मेडिकल कॉलेज जाता है, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे फ्लाइट जाने की इजाजत दें। आमिर ने इस दौरान कहा कि ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसे सरकार से भी अनुमति मिली हुई है। बाद में ताहिर ने आमिर को कहा कि उन्हें फ्लाइट जाने की बजाय अपने चाचा नासिर हुसैन को असिस्ट करना चाहिए और डायरेक्शन के गुर सीखने चाहिए। पिता की सलाह पर आमिर ने ऐसा ही किया। उन्होंने नासिर के साथ मंजिल मंजिल 1984 और जबरदस्त को असिस्ट किया है। बता दें कि इसके पहले आमिर ने आदित्य भट्टाचार्य के साथ शॉर्ट फिल्म 1983 को भी असिस्ट किया था। कैसे बने एक्टर? आमिर की एक्टिंग का सफर 8 साल की उम्र में शुरू हो गया था, जब उन्होंने नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। आमिर तब 18 साल के थे जब एडल्ट रोल में उनकी पहली फिल्म सुबह सुबह शुरू हुई। हालांकि चैक की ये डिप्लोमा फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। इसी दौरान केतन मेहता ने आमिर को होली के लिए साइन कर लिया। होली 1984 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बतौर आमिर हुसैन खान क्रेडिट दिया गया। ये उनका पूरा नाम है। 1988 में आमिर अपने कजिन मंसूर खान की डायरेक्टेड मूवी कयामत से कयामत तक में लीड एक्टर के तौर पर दिखे, जो उनकी पहली सुपरहिट फिल्म है। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार्स की कतार में खड़ा कर दिया। खास बात ये है कि इस फिल्म का बजट बहुत कम था, इस वजह से लीड एक्टर होते हुए भी आमिर ने राज जिप्सी के साथ मिलकर बसों और ऑटो पर फिल्म के पोस्टर्स चिपकाए। इतना ही नहीं, आमिर लोगों को खुद बताते थे कि वे इस फिल्म के एक्टर हैं। कयामत से कयामत तक के लिए आमिर को फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड मिला था। आमिर खान 8 साल 2 साल में कोई एक फिल्म में नजर आते हैं, लेकिन एक दौर वह भी था जब उन्होंने साल में 5 फिल्में भी की। जी हाँ, 1990 में आमिर की 5 फिल्में लग लग लव, अव्वल नंबर, तुम मेरे हो, दिल और जवानी जिंदाबाद रिलीज हुई, लेकिन दिल को छोड़कर सभी फ्लॉप हुई। 1995 में आमिर की 4 फिल्में बाजी, आतंकी आतंक, रंगीला और अकेले हम अकेले तुम आई, जिनमें से सिर्फ रंगीला चल सके। आमिर ने 2001 में डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगान में लीड रोल प्ले किया। मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में के लिए नॉमिनेट हुई। हालांकि इनमें से किसी को भी ये अवार्ड नहीं मिला। बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का क्लब आमिर की फिल्म गजनी से शुरू हुआ। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी आमिर खान की ईपी की है। इस फिल्म ने ग्लोबली 792 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके अलावा उनकी दंगल इंडिया में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई 386 करोड़ रुपए करने वाली फिल्म है। आमिर अब तक 18 बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। हालांकि उन्हें सिर्फ 3 फिल्मों राजा हिंदुस्तानी 1997 और लगान 2001 और दंगल 2016 के लिए ये अवार्ड मिला है। रंग दे बसंती 2007 के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक का अवार्ड मिला था। तारे जमीन पर आमिर की पहली डायरेक्टेड फिल्म थी। इस फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। आमिर को 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया जा चुका है। हालांकि इनमें से एक बार भी वे बेस्ट एक्टर नहीं चुने गए। आमिर को पहला नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल मिशन 1989 में राख के लिए मिला था। इसके बाद 2001 में फिल्म लगान के लिए बेस्ट फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, 2004 में बेस्ट मैग्नस इन द डेजर्ट के लिए बेस्ट एक्सप्लोरेशन एडवेंचर फिल्म और 2008 में तारे जमीन पर के लिए बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वेलफेयर का नेशनल अवार्ड मिला।
आमिर को साल 2003 में देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री और 2010 में तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आमिर के पर्सनल लाइफ की बात करें तो वे दो बार शादी कर चुके हैं। आमिर खान की पहली शादी रीना दत्त से 1986 में हुई थी, लेकिन लगान फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर किरण राव के करीब आए। बाद में आमिर ने पहली शादी तोड़ किरण को हमसफर बना लिया।